तो दोस्तों कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहानी पुरानी है, गांव की है, और ठीक ऐसे इंसान की कहानी है जो कहने को तो पहलवान है, लेकिन जब बात आती है अदृश्य शक्तियों की तो पहलवान तो क्या, अच्छे से अच्छा इंसान भी डर सकता है। खैर कहानी में यूं ही बने रहे, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्य यूट्यूबर। इस कहानी या मेरे चैनल पर जितनी भी कहानियां हैं उन्हें सुनने के बाद मैं आप सबको वही मिलूंगा। तो ठीक जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। मैं शंभू पहलवान एक खुश मिजाज इंसान था बचपन से ही, गांव में रहकर भी। अब आप ही सोचिए, जहां कोई मनोरंजन का सामान नहीं होता, बस मेहनत करो और रोटी खाओ। ये आपका गांव नहीं, मेरे समय की गांव की बात कर रहा हूं। उस समय गांव में टीवी जैसा कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था, और तो और टीवी होगा भी कहां से जब बिजली ही नहीं थी। गांव के बड़े घर की ठकुराइन, उनके घर पर टीवी था जो कि बड़ी बड़ी बैटरी से चलते थे। मैं और मेरे कुछ साथी छुपके से कोशिश करते थे कि कहीं दूर से भी हो तो कुछ तो दिख जाए। हल्की सी स्क्रीन देखकर ही हमें अंदर से एक अजीब सी खुशी मिल जाती थी। ऐसे में हमारा एक ही सहारा था, बस नाच गाना ऑर्केस्ट्रा, जो कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी गांव से आया करता था। साथियों नचनियों को नाचते देखना बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता था। सुंदर सुंदर लड़कियां, वो कितनी सुंदर होती थी, उनके ठुमके देखने के बाद उन पर दिल आ ही जाता था। आजकल रील्स पर जो लड़कियां नाचती हैं, इनमें वो बात नहीं होती जो कि एक ऑर्केस्ट्रा नाच करने वाली में होती है। ऐसे ही गांव में समय बीतता रहा, और एक रात मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ दो गांव छोड़कर किसी गांव में ऑर्केस्ट्रा देखने गया था। अंधेरे में रास्ता डरावना था, अंधेरे में चलना कोई बड़ी बात नहीं है। मशाल जलाए दो आदमी और रास्ता पूरा उबड़ खाबड़। खैर रास्ते में दोस्तों के साथ गप लगाते रहने से समय और डर का पता नहीं चलता है। हम लोग पैदल ही ऑर्केस्ट्रा देखने पहुंच गए थे। वहां पर बड़ा अच्छा माहौल था, दो तीन लड़कियां पहले से ही नाच रही थी। 40-50 साल की उम्र के मर्द उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो सब अपने अपनी जगह पर नाच रहे थे। उसी बीच हम लोग भी थोड़ा मजा लिए, कुछ गंदी गंदी बातें भी चिल्ला चिल्ला कर बोले। मैंने कई बार अपने दोस्तों को रोका, लेकिन वो उस माहौल में इतना व्यस्त थे कि उनको मैं रोक नहीं पा रहा था। उस वक्त हमने देसी दारू भी पी रखी थी, जिसे गांव में पौआ कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद मेरे कुछ दोस्त सीधा स्टेज पर चढ़ गए। वो ठीक नचनियों के साथ उनका हाथ पकड़कर डांस करने लगे। मैं उन्हें देखकर एकदम परेशान हो गया, सोचने लगा कि इनकी हरकतों से मुझे नाच देखना पसंद है, लेकिन ऐसे किसी भी लड़कियों को छेड़ना नहीं। आखिरकार कहीं ना कहीं वो भी मजबूरी में नाच रही हैं। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपने एक दोस्त राहुल को बोला। मैंने उससे कहा कि वहाँ पर एक चौकी रखी है, मैं वहाँ सो रहा हूँ, जब तुम लोगों का हो जाए तो मुझको जगा देना। मेरे दोस्त ने मुझे ठीक है कहा, और मैं चुपचाप सोने के लिए चला गया। प्रोग्राम तकरीबन 2-3 घंटे चला होगा। मैं तब तक अपनी गहरी नींद में वहीं सोया हुआ था, लेकिन दोस्तों मुझे क्या पता था कि यह सोना मेरे लिए कितना भारी पड़ने वाला था। मुझे इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। अचानक जब मेरी आंखें खुली तो आसपास कुछ भी नहीं था, सन्नाटा। ऑर्केस्ट्रा का नाच खत्म हो चुका था, सबके सब अपने अपने घर जा चुके थे। मैंने भागकर इधर उधर देखा, लेकिन मेरे दोस्त तक भी मुझे अकेले छोड़कर जा चुके थे। ये सब कुछ मेरे लिए ऐसा था कि जिससे मेरा सारा का सारा नशा टूट गया। कैसे दोस्त हैं ये मेरे, मतलबी और लापरवाह, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं सबके साथ आया था पर अब जाऊँगा कैसे। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं नींद से जल्दी उठ नहीं पाता। लोग कहते हैं कि मैं कुंभकर्ण जैसे सोता हूँ। खैर अब मुझे अकेले ही जाना था। मेरे पास फोन मोबाइल घड़ी कुछ भी नहीं था, मैं समय तक नहीं देख सकता था। मेरे सामने बस एक अंधेरी रात थी और एक मिट्टी वाली सड़क। मैंने हिम्मत बांधी और निकल पड़ा भोजपुरी गीत गुनगुनाते हुए। रात के गहरे अंधेरे में रास्ता मुश्किल दिख रहा था, और ठीक जंगल के बीच से होकर गुजरना अब मेरे लिए एक डरावना अनुभव बनने वाला था। ऊपर का साफ आसमान अंधेरी रात का इशारा कर रही थी, चारों ओर सन्नाटा था सिवाय मेरे कदमों की हल्के हाट के। जैसे ही मैं उस जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ा,
हवा में कुछ अजीब सा था। पेड़ झूम रहे थे लेकिन हवा महसूस नहीं हो रही थी। बढ़ते हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो, कोई अदृश्य निगाह मेरे पीछे लगी हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरे कदमों की गति एकदम तेज हो गई। लगातार चलते हुए अचानक मुझे कुछ दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई मशाल जल रही होगी या किसी की झोपड़ी हो, पर मैं जैसे जैसे करीब पहुंचा वो रोशनी एक छोटे से चबूतरे के पास थी जहां कुछ अजीब घट रहा था। मैं बिल्कुल सन्न रह गया। मेरी सांसें और धड़कन एकदम से रुक सी गई। मैंने वहां ठीक एक औरत को देखा जो कि बिना वस्त्र के थी। उसके लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो ठीक एक नवजात शिशु के शव के पास बैठी थी। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को स्नेह से थामे हुए हो। लेकिन उस वक्त वो नज़ारा कुछ और ही था। वो औरत उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थी, मानो वो इस दुनिया की ना होकर किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मेरे तो शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं वहीं छिपकर खड़ा रहा, लेकिन मेरी आंखें उस दृश्य से हटने का नाम नहीं ले रही थी। और तो और उसके आसपास कुछ अजीब सी चीजें रखी थी, जलती हुई मोमबत्तियां, काले कपड़े में लिपटे हुए कुछ पुराने मंत्र और ठीक एक छोटा सा खोपड़ी का बर्तन जिसमें खून भरा हुआ था। वो औरत धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो शायद कोई मंत्र पढ़ रही थी। उसका हर शब्द हवा को बहुत भारी बनाता जा रहा था। मैं समझ चुका था कि ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये हो न हो एक चुड़ैल है, और ये जो कोई भी हो बहुत भयानक थी, जो कि काले जादू के तहत उस मृत बच्चे के शरीर के साथ कुछ भयानक करने वाली थी। उसका एक हाथ उस बच्चे के छोटे से शरीर पर था और दूसरा हाथ उसने आसमान की ओर उठा रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दानवी शक्ति को बुला रही हो। उसका चेहरा विकृत था, आंखें पूरी तरह से काली थी, और उसकी मुस्कान वो मुस्कान किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दुष्ट आत्मा के साथ बातें कर रही। मैं बुरी तरह से डर गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे जड़ पकड़ लिया। मेरी सांसें थम गई और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी, लगता था कि वो चुड़ैल भी उन्हें सुन सकती हो। उसी वक्त अचानक उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से दूर किया और उसकी आंखों में झांकने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसकी आत्मा को वापस बुला रही हो। उसी बीच मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो सिर्फ जादू नहीं कर रही थी, बल्कि वो उस बच्चे को जीवित करने की कोशिश कर रही थी। ये शायद उसे किसी बुरी शक्ति का वाहक बना रही थी। देखते ही देखते उसका चेहरा अब और भी विकराल हो चुका था। उसकी हरकतें और ज़्यादा तेज हो गई। मुझे वहाँ पर एक पल भी ठहरना खतरनाक लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी सूखी टहनी मेरे पैरों के नीचे आ गई और अचानक टूट गई। उसकी आवाज़ जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए चारों ओर गूंज उठी। अचानक मेरी सांसें रुक गई। उसी वक्त उस औरत का सिर अचानक मेरी तरफ घूमा। उसकी काली खाली आंखें मेरी ओर थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। अब बस भागने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने मुड़कर भागने की कोशिश की कि तभी उसके बड़बड़ाने की आवाज़ और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मंत्र अब मुझे निशाना बना रहे हो। मैं लगातार पूरी ताकत से दौड़ता गया, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती आई। हवा में उसकी परछाई मेरे पीछे दौड़ती हुई लग रही थी। मैं अकेले अपने गांव से दूर एक पुराने जंगल से होकर गुजर रहा था। चारों ओर बस सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने कई बार सुना था कि इस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं पागल ऐसे ही कहीं भी भाग रहा था। भूल गया था कि ये रात का समय है, लेकिन किसी भी तरह मुझे जाना ही था। मैं मन ही मन खुद को तसल्ली दे रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी हर कदम के साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी तरफ लगातार घूर रहा है। जैसे जैसे मैं उस जंगल के अंदर घुसा, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे वो आपस में फुसफुसा रही हो। उसी वक्त एक हल्की सी आवाज़ मेरे कानों तक आई, जैसे कोई
पीछे से धीमे कदमों से चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने रुककर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई। अचानक अपने कदमों की आवाज मुझे और भी साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी अजीब सी दुनिया में आ गया, जहां हर आवाज गूंज रही थी जो कि मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वो किसी औरत की हंसी थी, धीमी और डरावनी। मैंने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं दिखा। मैंने वहां से भागने की कोशिश की अपनी पूरी ताकत से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जमीन मुझे अपनी ओर खींच रही हो। दूर दूर तक धुंध और सन्नाटा था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे कोई किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी अचानक धुंध के बीच से वही हंसी दोबारा गूंजी। वो हंसी मेरे कानों के भीतर चुभ रही थी। मैंने उसे सुना करने की कोशिश की, लेकिन मानो हंसी लगातार बढ़ती जा रही हो। उसी वक्त मुझे मंदिर के कोने से हल्की सी रोशनी दिखाई थी। मैं धीमे धीमे उसके ओर बढ़ने लगा। मानो हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। जब मैं ठीक उस रोशनी के पास पहुंचा तो देखा कि वहां एक पुरानी धूल से ढकी मूर्ति थी। उस मूर्ति के पास एक छोटा सा दिया जल रहा था, जो कि रह रहकर बुझने की कोशिश कर रहा था। मैंने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और मंत्रोच्चारण करने लगा। उसी वक्त अचानक मुझे अपने चारों ओर एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। हवाओं में एक नई तरह की ऊर्जा फैलने लगी। अचानक एहसास हुआ कि अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे अपने आत्मा की पूरी शक्ति लगानी होगी। मैंने जैसे ही ध्यान लगाना शुरू किया कि तभी एक तेज रोशनी मेरे चारों ओर फैली। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास की हर चीज जो मुझे डरा रही थी, वो धीरे धीरे अब गायब हो रही है। मैं जमीन पर बैठा हुआ था, चुपचाप मंत्र पढ़े जा रहा था कि तभी मुझे एक जोर की ध्वनि सुनाई थी, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन ये सब असली था या कोई सपना? पर मैं बच चुका था। मैंने चुपचाप वहां से भागने की कोशिश की और भागते हुए उस जंगल से बाहर निकल गया। गांव पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। खाली सड़कें और कुत्तों की भौंकने की आवाज। सच कहूं तो ये शोर मुझे बहुत खुशी दे रहा था। गांव में सब लोग सो चुके थे। मुझे रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं भागते हुए अपने घर की ओर गया और मैंने तुरंत ही दरवाजा थपथपाया। माने जैसे ही दरवाजा खोला तो मैं अपनी अम्मा के पैरों पर पड़ गया। कहने लगा कि अम्मा, आज मैं मौत के मुंह से लौट कर आया हूं। तू सही कहती थी, रात में कहीं नहीं जाना चाहिए। तू सही कहती थी अम्मा, तू सही कहती थी। मैं ये सारी बातें रोते हुए अपनी अम्मा से कह रहा था। अम्मा समझ गई कि इसने जरूर कुछ बुरा देखा है। अम्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कहने लगी कि जा तू सो जा। इसके बाद अम्मा ने लोबान जला दिया, जिसका धुआं घर के चारों ओर फैल गया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, पर मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी। आखिरकार मैं किसी तरह बच गया था। सच कहूं तो मेरे कानों में उसकी हंसी अभी तक गूंज रही थी। मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज थी। नहीं समझ आया कि आज मैंने ये क्या देखा। बस एक बात साफ थी कि वो जो कुछ भी था वो बिल्कुल साधारण नहीं था, वो कुछ और ही था। यकीनन उसकी शक्तियां बहुत भयानक थी। सोचते सोचते मैं सो चुका था। इसके ठीक अगली सुबह मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसने मुझे एक असमंजस में डाल दिया। मैं सुबह सुबह नहा धोकर पूजा अगरबत्ती करके थोड़ा गांव में छोटी सी चाय की दुकान के पास गया था। वहां अक्सर गांव के बुजुर्ग और जवान बैठकर अक्सर देश दुनिया की बातें करते रहते हैं। वहीं मुझे मेरे दोस्त मिल गए। मैंने मिलते ही उन्हें खूब सुनाया कि कैसे लोग हो तुम, अपने यार को छोड़कर चले आए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। सबका सर झुका हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही एक और से कुछ लोग खुशी मनाते चिल्लाते आ रहे थे। कह रहे थे कि हमार बबुआ जी गए हो, भगवान के लाख लाख धन्यवाद। हम सबकी नजरें उसी ओर थी। हमने देखा कि एक महिला के हाथ में एक छोटा बच्चा था। वो उसको लेकर बहुत खुश थी। मैंने तुरंत ही एक आदमी को रोका, पूछा कि भैया क्या हुआ है, काहे इतना हल्ला मचा रहे हो। उसने मुझसे कहा, शंभू भैया चमत्कार हो गए हैं। मंगरुआ का लड़का कल सुबह ही मर गया था। उसको लोगों ने आगे के जंगल में गाड़ दिए थे, लेकिन आज पता चला न जाने कैसे वो बच्चा जिंदा गांव के बाहर कोई छोड़ गया है। ये चमत्कार कैसे हुआ सब भगवान की माया है। इतना कहकर वो आगे की ओर चल पड़ा, लेकिन मैं सोच में पड़ गया। उसी वक्त मैंने ध्यान दिया कि भीड़ में एक औरत घूंघट में पीछे पीछे चल रही थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठा कि शायद ये वही औरत तो नहीं
रात वाली, वही कदकाठे, वही बनावट, बस चेहरा नहीं मिल रहा था पर रंग वही था। मैंने तुरंत एक आदमी से और पूछा, यह औरत कौन है? किसी ने बताया कि ये तो मंगोरा की बड़ी बहन है जिसको कुछ दिन पहले उसका पति छोड़ गया, बड़ा भाग्यशाली था बेचारा। ये बात कहने के बाद वो आदमी भी आगे की ओर चला गया। मैं बस उन सबको देखता ही रह गया। वो औरत एक नज़र मुझे देखी और आगे की ओर चल दी। ऐसा लगा मानो कि जैसे वो मुझे जानती ही ना हो। क्या वो अब मेरे साथ कुछ बुरा करेगी या नहीं? जो भी हो, पर ये कहानी मेरी दिल को झकझोर देने वाली है। मैंने रात में गांव से बाहर जाना छोड़ दिया। मैं ठीक अपना गांव छोड़कर कहीं बाहर काम करने लगा। शायद किसी ने सच ही कहा है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब मुझे अपने गांव में गए 6 साल बीत चुके हैं। देखते हैं जब मैं गांव जाऊंगा तो क्या होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शंभू पहलवान की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। और आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कहानी हमारी मंडली के एक सदस्य ने लिखी है जिसका नाम है प्रदीप शर्मा। सच्ची कहानियों के साथ साथ हम इस तरह की कहानी भी बनाते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट के साथ सुनने में भी मज़ा आए। फिलहाल चलता हूँ, बस तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।